ले जाओ इसे। ऐसा कोई भी केस नहीं जो वो हल ना कर सका हो। अपने काम का बहुत ही माहिर है वो। इस केस में उसकी दिलचस्पी भी बहुत है। नॉर्मली इस केस पर काम ही नहीं करता जिस पर उसकी बीवी असाइन हो। वो मेरा केस तो पहले ही छोड़ चुका है, लेकिन अब अर्जुमन का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो। लेकिन क्यों कर रहा है ऐसा समझ में नहीं आ रहा। क्या पता उसका कुछ और ही प्लान हो। क्या उसे उस फाइल में कुछ और मिल सकता है? लगता नहीं है मुझे। क्या मतलब नहीं लगता? कहना क्या चाह रहे हो आखिर तुम? क्या इस बात की इतनी तनख्वाह लेते हो तुम? सिनान सर, बाहर कोई आदमी आया है जो आपसे मिलना चाहता है। अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहा, कहता है कि आपसे मिलना है उसे। आकिफ, देखो जाके कौन आदमी है। ठीक है भाई। सुनो, तुम सिनान साहब को कैसे जानते हो? उनके रिश्तेदार हो क्या तुम? ये पुलिस यहां क्यों आ रही है? अल्लाह की खैर करे आज तो। आदत हो गई यहां आने की, ना आऊं तो दिल ही नहीं लगता मेरा। इंस्पेक्टर लैला आइए भाई। इंस्पेक्टर साहब, लगता है मुझे देखे बिना आपका दिन नहीं गुजरता। क्या बताऊं, उस दिन ऑफिस में हमारी बात चल रही थी तो मैंने चाय नहीं पूछी थी आपसे, इसलिए सोचा कि आज चाय पूछ लूं। चलें आइए मेरे साथ, पुलिस स्टेशन में चाय पीते हैं। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, यहाँ करीब में बहुत अच्छी चाय मिलती है। लेकिन हमारी चाय वाली बात नहीं होगी, आइए हमारे साथ। ज़ैनब, इसका यहां आखिर क्या काम है? सिनान साहब, आपको हमारी गाड़ी में चलना होगा। ऑफिसर, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, बैठिए। पुलिस वाले यहाँ क्यों आए हैं ताया जान? क्या बाबा के बारे में बताने आए हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप परेशान ना हो बिल्कुल। मैं पुलिस वालों से थोड़ी सी बात करके घर वापस आ जाऊंगा, ठीक है? शाबाश। लैला, लैला इधर आओ बेटा मेरे पास। क्या हुआ मेरी जान? देखो मेरी तरफ, शाबाश। Thank you.
आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, समझी? जाए भाई के साथ जाए। सिनान, हुआ क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता है सर। मेरा ख्याल है तुम घर चले जाओ।